प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। वो फटरे पे बैठे, अचानक से वो गिरने की आवाज उनकी आई। छोटे छोटे तीन बच्चे 3x3 की बावड़ी में उतारा है वो। इतनी कम जगह में वो 40 फीट डीप में उतारा है। सेफ्टी नहीं दिया, पूरा जमा हुआ है कचरा, बच्चे की जान चली गई ना। ये तीन बच्चों की मदद करो। पीएम होने के बाद जब तक FRI होगा नहीं, जब तक हम लोग बॉडी बिल्कुल लेके जाएंगे नहीं। हमको हिसाब चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। हमारे बच्चे की जान गई, हमको तकलीफ हो रही है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बावड़ी की साफ सफाई करने के दौरान करंट लगने की वजह से 32 साल के आलम शेख अब इस दुनिया में नहीं रहे। आलम के 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से आलम शेख बिजली की चपेट में आए। कौन है आखिर आलम शेख की मौत का जिम्मेदार? आलम शेख के परिवार का कौन करेगा भरण पोषण? आलम शेख की मौत से अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। हर जगह लापरवाही, बस लापरवाही, और इसी लापरवाही की वजह से आलम शेख की जान चली गई। आलम शेख भिवंडी के नई बस्ती के रहने वाले थे और मंडई इलाके में एक बावड़ी की साफ सफाई कराई जा रही थी। बावड़ी काफ़ी गहरी थी, इसमें पानी के 2 से 3 मोटर भी लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉरपोरेशन की तरफ से इस बावड़ी की साफ़ सफाई कराई जा रही थी और कॉन्ट्रैक्टर ने साफ सफाई करने वाले मजदूरों पर उनके सेफ्टी, उनके सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया और जिसकी वजह से बावड़ी में उतरे आलम शेख करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। यानी कि लापरवाही का शिकार आलम शेख हो गए और उनकी मौत हुई। परिवार कॉरपोरेशन से मुआवजे की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि ये घटना कल्याणी की 23 मई को हुई थी। पलंबर का काम करने वाले आलम शेख इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके 3 छोटे-छोटे मासूम बच्चे जो अपने पिता के साथ वक्त गुजारे हैं, उन लम्हों को याद कर उनके आंखों में आंसू, यानी कि पूरे परिवार के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं उनके वालिद हूँ। इस पूरे घटना में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या इंसाफ मांगते हैं? कॉर्पोरेशन को, जो भी है कॉर्पोरेशन मेरा इंसाफ दिला दे बस। मुआवजा जो होगा वो दिला दो। बच्चे लोग, उसके बच्चे लोग है, छोटे छोटे 3 बच्चे, क्या बोलेगा? इंसाफ मांग, इंसाफ चाहिए और क्या, इधर समझे, इंसाफ चाहिए अपने को बस, और क्या, कैसे क्या। हमको इंसाफ चाहिए, उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, हमको हिसाब चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। हमारे बच्चे की जान गई, हमको तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ है, हमारे बच्चे को जान गई है पूरा, समझे? ऐसे भी नहीं कुछ हुआ, मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, उसको इंसाफ चाहिए। 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है, वो भी छोटा है, लड़का भी छोटा है। जो भी चाहिए म्युनिसिपैलिटी से मुआवजा चाहिए, आप लोगों की मेहरबानी बहुत बहुत होगी। वो बच्चों का, यतीम बच्चों की मदद करो। ये आलम सुल्तान शेख, इसकी डेट हुई है। ये बंदा नई बस्ती में रहता है और म्युनिसिपैलिटी का कोई कॉन्ट्रैक्टर था, वो कॉन्ट्रैक्टर लेके गया है और 3x3 की बावड़ी में उतारा है वो। जगह का कम, इतनी कम जगह में वो 40 फीट डीप में उतारा है और एक ऑलरेडी 3-4 मशीन और मतलब पानी की मोटर थी उसके अंदर बराबर, और उसके अंदर पूरा कचरा पचरा पूरा जाम हो गया था। और 2 बच्चों को लगा कि ये उतारा है, एक नीचे बच्चा है, एक ऊपर बच्चा है। जिसका इंतकाल हुआ वो नीचे था और एक बच्चा ऊपर था। जब वो नीचे की आवाज़ आई आलम की, मतलब तो ये ऊपर वाला नीचे का, जब तक इसका मतलब हो गया था इसका, और मोटर भी उसके ऑलरेडी 3-4 मोटर थी, ये ऐसा हुआ है। तो
बॉडी किस चीज की थी और किस चीज के लिए काम हो रहा? बॉडी पुरानी बॉडी थी, 3x3 की, कोई साफ सफाई, मतलब बॉडी पुरानी है, अंदर डीप है 40 फीट हो, और उसका डिस्टेंस है 3x3, 3x3 कितनी है वो उतनी डीप में, और 40 फीट डीप में उतारा है वो। कितने दिन से काम हो रहा था ये? काम तो 2-3 दिन से हो रहा था, मगर ये बंदा तो आज कर रहा था काम, समझे कि नहीं? और 2-3 दिन से कहाँ दूसरी जगह कर रहा होगा क्या, वो मालूम नहीं हमको, जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको। कितने बजे ये हादसा हुआ है? ये 2:30 बजे हुआ है, 2:30 बजे हुआ है। तो आप इस पूरी घटना में लापरवाही किसकी मानते हैं? कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही है ना, सेफ्टी नहीं दिया। हाँ, बच्चा 40 फीट उतर रहा नीचे, हाँ भले वो तो देना चाहिए ना उसको पूरी तरह सेफ्टी, किस तरीके से निकालना क्या निकालना उसको बोलना चाहिए, देना चाहिए था उसको, और इन्फॉर्मेशन देना चाहिए अंदर 2-3 मोटर वो भी बोलना चाहिए था ना, उसके अंदर मोटर थी ना, पूरा जमा हुआ है कचरा, बच्चे की जान चली गई ना। आप लोग कॉन्ट्रैक्टर से कोई बात भी कर रही है? नहीं हुई, बंदा सामने फ़ोन उठा रहा भी नहीं, आया भी नहीं वो। हाँ, तो और इसमें क्या इंसाफ की मांग करते हैं? इंसाफ की मांग, वो बच्चे उसके 2-3 छोटे छोटे बच्चे, कौन है उसका? 30 साल अभी 30 साल का बच्चा है, जवान बच्चा है वो, 3 छोटे छोटे बच्चे है वो। हाँ, और ये काम करता है, दिहाड़ी का काम बोलते हैं उसको, क्या काम करते हैं इसका, क्या काम, कैसा काम है ये, लेके गया। तो और कोई मतलब यहाँ पे था साथ में जो उसको बुला दो ना? वो उसके साथ में ये, हाँ कि क्या हुआ था वो, क्योंकि मौजूद थे ना लोग वहाँ पर? हाँ मौजूद थे, और आगे की बात भी और भी सुन लो। यहाँ पे जो है ना PM होने के बाद जब तक FIR होगा नहीं, जब तक हम लोग बॉडी बिल्कुल लेके जाएंगे नहीं घर पे, ये है पूरा, और ये हमारा नहीं, पूरा नहीं, बस FIR होने के बाद ही बॉडी हम लोग लेके जाएंगे ऑन द स्पॉट में, हमको चाहिए इंसाफ। हाँ तो भाई आप बताएंगे कि वहाँ पर क्या हुआ था? मैं रस्सी पकड़ा था, आलम भाई काम कर रहे थे, उसके बाद में फिर काम ख़त्म हो गया था, लास्ट एंड पे था, वो फटरे पे बैठे, अचानक से वो गिरने की आवाज़ उनकी आई, फिर उसके बाद आवाज़ आने के बाद में मेरे साथ में एक जन और जन था, वो रस्सी पकड़ के उतरा, फिर उसके बाद में मैंने दूसरे को रस्सी पकड़ाया, फिर मैं भी उतरा, उतरने के बाद में देखे तो आलम भाई एकदम हाथ पैर ढीला कर चुके थे। तो आलम भाई कितनी देर से अंदर काम कर रहे थे और क्या अचानक? 2-3 घंटा हो चुका था, बस लास्ट एंडिंग पे काम ख़त्म ही था, हम लोग ऊपर ही आ रहे थे बस, उसके बाद में अचानक 2 दिनों से जो काम कर रहे थे राम कोरे, नहीं फ़ोन नहीं उठा रहे वो, पहली बार फ़ोन उठाए बोले कि मामला ऐसा ऐसा हो गया, मामला जल्दी आओ, अब ऐसे सिचुएशन पे हमको कुछ समझा नहीं, हम लोग फ़ोन लगाए, फिर उसके बाद में फ़ोन उठाए नहीं, बोले मैं आ रहा हूँ, मैं पठाने में हूँ बोले, उसके बाद से फ़ोन नहीं उठा रहे। ये पूछना इनसे कि जो कॉन्ट्रैक्टर था वो किसके लिए काम कर रहा था? प्राइवेट काम कर रहा था या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कर रहा था? ये पूछो ना आप, म्यूनसिपालिटी से। एक मिनट रुको, पूछने दो भाई, जो काम चल रहा है किस चीज़ का था और कौन करवा रहा है? कॉर्पोरेशन का है, म्यूनसिपालिटी का टेंडर था बॉडी का, हम लोग इससे पहले भी 3-4 बॉडी साफ करे, हाँ कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार हो गया ऐसा। तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? राम कोरे नाम। हाँ नहीं कुछ आइडिया नहीं।